दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ। दोस्तों आपको समझने वाली बात है और जानवर को संभालने वाली बात है, क्योंकि आज मेरे को एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया जो मैंने देखा। शायद से आप सबने भी देखा होगा जिसके व्हाट्सएप पे आया होगा। अगर नहीं आया उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो डाला है कि जो दोस्त जो अच्छे से जानवर संभालते हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, माशाल्लाह चलो अच्छे से संभाल रहे, लेकिन बहुत सारे जो दोस्त है जो कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जो बिल्डिंग में रहते हैं, वो जानवर को ऐसे, जैसे आप देख सकते हो वीडियो में, दो कुत्तों ने एक बकरे को कैसे पकड़ के गला पकड़ लिया है, वो कैसे उसको काट रहे हैं आप देख सकते हो। दोस्तों आपके पास जानवर है, लास्ट टाइम में लेते हो आप 10-15 दिन पहले तो जानवर लेते हो, तो जो दोस्त ऐसे जानवर रखते हैं तो उसको चलो आपके घर में नहीं रख सकते, कॉम्प्लेक्स में रहते हो, लेकिन कोई ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे जानवर सेफ़ हो, या तो फिर एक लास्ट टाइम में कोई भी ऐसा पिंजरे जैसा बना लो उसमें रखो, ताकि ये जानवर कुर्बानी का जानवर ऐसा कुत्तों के हाथ ना लगे। आप देख सकते हो कैसे वो जानवर ने कुत्ते ने कैसे बकरे को मारा है, आप देख सकते हो। अब ये रात का सीन है, दिन का सीन है, और ये कहाँ का है वो तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो बकरे को उसने पकड़ा है और बकरे को जो हिसाब से कुत्ते मार रहे हैं, दोस्तों आपके वहाँ पे ना हो, आप अपने जानवर जहाँ पे रखते हो आप देखो वो जानवर सेफ जगह पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी सेफ्टी के बारे में सोचो, क्योंकि अपने तो रात को सो जाते हैं, अपने दरवाजे बंद हो जाते, अपने को तो आवाज़ भी नहीं आती, लेकिन ये मूंगा जानवर उसके सामने क्या क्या चीज़ आ रही है, कौन सा जानवर आ रहा है, क्या हमला करने वाला है वो देख रहा है। कुर्बानी का जानवर है दोस्तों, अल्लाह की राह में कुर्बान करने का है, तो उसकी थोड़ी खिदमत कर लो। लास्ट टाइम में आप संभालते हो तो लास्ट टाइम उसको संभाल लो अच्छे से, कि ऐसा जानवर की हालत ना हो लास्ट टाइम में। ये जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान होने से पहले जानवर के हाथ लग गया और बेचारा बेमौत मारा गया। इसके लिए दोस्तों आपके वहाँ पर अगर किसी के भी ऐसे जानवर है तो आप उनको बोलो कि आप संभाल के रखो जानवर को, अच्छी जगह पर रखो, या पिंजरा वो सेट कर लो। शुक्रिया दोस्तों, और ये वीडियो को आगे शेयर करो, ताकि किसी के जानवर ऐसे रखते हो तो संभल जाए, और थोड़ा संभाल के रखे जानवर को। शुक्रिया दोस्तों।